ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। गुरु शरण देव शरण मेमोरियल कॉलेज में आज गवर्निंग बॉडी का गठन किया गया। इसके लिए निवर्तमान गवर्निंग बॉडी के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। कोरोना संकट को देखते हुए बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग अनिवार्य माना गया था और इस दौरान सर्वसम्मति से विधायक हरिनारायण सिंह को अध्यक्ष, नालंदा महिला कॉलेज के प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता को सचिव बनाया गया। अन्य पदाधिकारियों में बीडी कॉलेज पटना के एशन आर्या, सदर एसडीओ जनार्दन प्रसाद अग्रवाल व प्रिंसिपल डॉक्टर शंभुनाथ प्रसाद सिन्हा भी शामिल रहे। अध्यक्ष हरिनारायण सिंह ने कहा कि कोरोना काल में पूरा राज्य अभी संकट से गुजर रहा है, इस वजह से अभी नामांकन आदि का काम ही चल रहा है। 5 दिन पूर्व जीडीएम कॉलेज के आदेशपाल संजीवन गोप की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी। मृतक हरनौत के ही कॉलेज के निकट बंगलापट टोला का निवासी था। मृतक के परिजनों से मिलने के लिए विधायक हरनारायण सिंह खुद उनके घर पहुंचे। संजीवन गोप और पत्नी का नाम श्रीमती जानकी देवी, ग्राम बंगला मुरहारी टोला का है। आपको रोड एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई, एक बच्चा भी घायल हुआ, लेकिन बच्चा बच गया। और निश्चित रूप से जो सरकार के तरफ से एक्सीडेंट में 4 लाख रुपया देने का जो व्यवस्था किया है, हम शीघ्र अतिशीघ्र इसको लग करके भुगतान करा देंगे। एमएलए माननीय हरनारायण बाबू बात करेंगे आपसे। हाँ बात हो रही है। आप प्रिंसिपल साहब प्रणाम। प्रोफेसर साहब अभी उठे आपका। कॉलेज के स्टाफ की मृत्यु के बाद में कॉलेज के सभी पदाधिकारी और चयनित जितने भी शख्सियत थे वे सारे लोग परिजन से मुलाकात करने के लिए विधायक हरिनारायण सिंह के साथ उनके घर पे पहुंचे गए। विधायक हरिनारायण सिंह ने तत्काल आश्रितों के राज्य सरकार के प्रावधान के आलोक में 4 लाख की सहायता राशि देने के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी जिला प्रशासन को दिया। प्रिंसिपल डॉक्टर एस एल एन सिन्हा ने बताया कि शिक्षक कर्मचारी कल्याण कोष से मृतक की पत्नी जानकी देवी को 1 लाख का चेक भी दिया गया, परंतु कार्य दक्षता को देखते हुए महाविद्यालय प्रबंधन ने उन्हें आदेशपाल के रूप में काम लेना शुरू किया। फिर परीक्षा संबंधी गतिविधियों में महाविद्यालय के अन्य गतिविधियों में बड़ा ही दक्ष रूप से कर्मठ रूप से काम करते थे। हम उनके परिवार के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। महाविद्यालय शिक्षक कर्मचारी कल्याण कोष से उनकी मृत्यु 23 अगस्त को हुई थी और हम लोगों ने 24 अगस्त को उनकी पत्नी श्रीमती जानकी देवी को 1 लाख रुपये प्रदान कर दिया। अब बिहार सरकार का जो आपदा प्रबंधन कोष से 4 लाख रुपये दिया जाना है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। आज महाविद्यालय समिति के प्रबंधकारिणी समिति की बैठक थी, उस बैठक में के बाद स्थानीय विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय हरनारायण बाबू उसके घर पर गए थे। उनके साथ प्रोफेसर एस एन आर्या जो बीडी कॉलेज के प्राध्यापक है पटना के और इस महाविद्यालय के नवनिर्वाचित सचिव प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता भी स्वर्गीय संजीवन गोप के बंगला पर मुरहारी के घर पर गए थे और माननीय हरनारायण ने यह घोषणा किया कि मैं राज्य सरकार से 4 लाख रुपये दिलाने का वचन देता। हम लोग भी वचन देते हैं कि उसके परिवार को जो बनेगा मदद करेंगे तथा अनुकंपा के आधार पर शीघ्र ही सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए एक उसके पुत्र को श्रीमती जानकी देवी की अनुशंसा के अनुरूप नियुक्त करेंगे।